पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के बारे जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ के सैक्टर 32 के SD कॉलेज के चंडीगढ़ पुलिस वालों नैशनल साइबर सैल के कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ के DGP की अगवाई दे विच यह समागम करवाया गया ते बच्चों को साइबर क्राइम के बारे जानकारी दी गई। गलबात करते हुए DGP प्रवीण रंजन ने दस्सिया कि भारत सरकार का यह प्रोग्राम लोगों को साइबर क्राइम प्रति जागरूक करने के लिए करवाया जा रहा है। उन्होंने दस्सिया है कि इस प्रोग्राम के तहत चंडीगढ़ पुलिस ने साइबर स्वच्छता मिशन चलाया हुआ है और इस दे तहत वख-वख कॉलेजों तो यंग साइबर सोल्जर्स को लगाया गया है। साइबर अवेयरनेस मंथ के रूप में पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है, भारत सरकार का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में साइबर से रिलेटेड विषयों पर जागरूकता लाना है। इसके तहत हमने जो अपना साइबर स्वच्छता मिशन चंडीगढ़ में चलाया हुआ है, हमने अपने यंग साइबर सोल्जर्स को जो अलग अलग कॉलेजेस से हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, उन बच्चों को हमने अपने इस प्रोग्राम में सम्मिलित किया है और इनको हम 6 महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग देके इनको हम इनके माध्यम से समाज में जागरूकता लाने का काम करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और पहले बैच में जैसे हमारे 400 वॉलंटियर थे, इस बार दूसरे बैच में भी हमारे पास 400 वॉलंटियर हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये नंबर बढ़ता जाएगा और इनकी संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही हमारा संदेश कोने कोने में पहुँचेगा और समाज के हर वर्ग में पहुँचेगा। इन वॉलंटियर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि ये अपने पीयर ग्रुप में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने समाज में जो इन्होंने सीखा है इस प्रोग्राम में उसको ये आगे भी फर्दर ले जाने का काम करें और लोगों को भी जागरूक बनाएं, ऐसी हमारी उम्मीद है। सेवन के रूप में हम लोग सम्मिलित करते हैं। चंडीगढ़ की साइबर पुलिस जो है इनको साइबर के हर विषयों पर इनको एक्सपोजर देती है। ये हमारे साथ जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं उसमें भी जाएंगे, ये जो हमारे स्मार्ट सिटी का जो कैमरे हैं उनको भी ये देखेंगे, CGTS में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड वर्क है उसको भी जानेंगे और प्रैक्टिकल ऑन जो ये कार्य होता है वो भी एक साथ साथ करेंगे। DGP ने यह भी दस्सिया है कि इन्हां बच्चों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी ते बच्चों के जरिए वह लोगों को जागरूक करेंगे। उन्होंने यह भी दस्सिया है कि उन्होंने पहले बैच के उन्हां कोल तकरीबन 400 वॉलंटियर सी ते हुण उन्हां दा दूजा बैच शुरू होने जा रहा है, इस दे विच भी तकरीबन 400 वॉलंटियर होंगे जो लोगों को जागरूक करेंगे। जगबाणी TV लई चंडीगढ़ तो कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।